सो ही गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ बेस्ट कैमरे स्मार्टफोन अंडर 12 के। दोस्तों ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए होने वाली है जिनका बजट 10 से 12,000 रुपए है और उन लोगों के एक ऐसा स्मार्टफोन बाई करना है जो एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है जिससे एक अच्छी पिक्चर वे लोग कैप्चर कर पाए, बेस्ट सेल्फी कैमरा देखने को मिले। तो आज मैं आपको टोटल 5 ऐसे स्मार्टफोन बताऊंगा जो बेस्ट कैमरे स्मार्टफोन होंगे अंडर 12 के में। कैमरे से अलावा भी यहाँ आपको एक बढ़िया बैटरी, बढ़िया डिस्प्ले और बढ़िया परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। तो हे गाइस, मेरा नाम है अंकुर राठी और आप देख रहे हैं फालतू टेक। एक बेस्ट कैमरे स्मार्टफोन बाई करना है तो ये वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप रेडमी के स्मार्टफोन बाई करना चाहते हो और आपका बजट है 12,000 रुपए, तो ऐसे में आप रेडमी नोट 10 की तरफ जा सकते हो। ये स्मार्टफोन 12,000 की कीमत में बेस्ट कैमरे स्मार्टफोन तो रहने वाले है, साथ में आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस मिल जाएगी, मैसिव बैटरी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर आपको दी जाएगी। कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरे का सेटअप दिया जाता है। प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है और यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। तो नो डाउट इस कैमरे से आप लोग काफी अच्छी पिक्चर कैप्चर कर सकते हो। पर्सनली मैंने इस स्मार्टफोन को यूज किया है तो गाइज, ये स्मार्टफोन कैमरे के मामले में लाजवाब स्मार्टफोन है, काफी अच्छी पिक्चर आप लोग कैप्चर कर सकते हो। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, स्नैपड्रैगन 678 का प्रोसेसर है आप लोगों को दिया गया है, 5000 mAh की मैसिव बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट, साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। दोस्तों सोचकर देखिए कि आपको 12,000 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। तो रेडमी नोट 10 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। अगर आपको सैमसंग के स्मार्टफोन बाई करना है, आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना है बट आपको एक ऐसा मोबाइल फोन चाहिए जिससे आप एक काफी अच्छी पिक्चर कैप्चर कर पाओ, तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सैमसंग गैलेक्सी F12 की तरफ जा सकते हो। ऑफर में ये स्मार्टफोन आपको 10,000 में मिलते हैं, विदाउट ऑफर में ये स्मार्टफोन आपको 11,000 में मिलते हैं। यहाँ पर 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, HD+ का रेजोल्यूशन, 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, वाटर ड्रॉप नोज दी गई है, एक्सिनोस 850 का प्रोसेसर मिलता है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 48 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है। लेकिन यहाँ आपको 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर, 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर दिए गए हैं, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। बट बैटरी के मामले में स्मार्टफोन लाजवाब है, 6000 mAh की बैटरी यहाँ आपको दी गई है, Type-C4 फास्ट चार्जिंग, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट मिलता है, लेटेस्ट OS और लेटेस्ट UI आपको दी गई है। तो सैमसंग के स्मार्टफोन बाई करना चाहते हो तो 11,000 की कीमत में ये स्मार्टफोन एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। 48 मेगापिक्सल के कैमरे का सेटअप दिया गया है तो इसका मतलब काफी अच्छी पिक्चर यहाँ से आप ले सकते हो और आपको पता होगा कि जो सैमसंग के कैमरे होते हैं कितने अच्छे होते हैं। तो 11,000 की कीमत में ये स्मार्टफोन एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कैमरे स्मार्टफोन रहने वाले है अगर आप सैमसंग के स्मार्टफोन को बाई करना चाहते हो। दोस्तों आगे बात करते हैं पोको की, द शियोमी की सब ब्रांड है। दोस्तों अगर आपको पोको से कोई भी एलर्जी नहीं है तो पोको की तरफ से मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए 2 स्मार्टफोन लेकर आया हूँ, पोको M3। पोको M3 11,000 की कीमत में मिलते हैं, हालांकि डिस्काउंट वगैरह लगा कर स्मार्टफोन आपको 10,000 की कीमत तक भी देखने को मिल जाता है। अभी के टाइम की बात करें तो अभी के टाइम में मोबाइल फोन के प्राइस आपको 10,500 रुपये देखने को मिलते हैं। 10,500 रुपये में 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, 6.53 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो फुल HD+ के रेजोल्यूशन के साथ आती है, डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर मिलता है, 6000 mAh की मैसिव बैटरी, साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 के साथ MIUI 12 भी दी गई है। कैमरे की बात करें तो ये स्मार्टफोन 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे के सेटअप के साथ आता है। यहाँ पर आपको काफी अच्छे कैमरे दिए गए हैं, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो इस प्राइस रेंज की बात करें तो नो डाउट 10 से 11,000 की कीमत में ये स्मार्टफोन एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पर जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है उससे आप ये लोग काफी अच्छी पिक्चर कैप्चर कर सकते हो और सेल्फी कैमरे से भी आप लोग काफी अच्छी सेल्फीज कैप्चर कर पाओगे। तो देखा जाए तो पोको M3 भी एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। अगर आपका बजट है अराउंड 10K तो आप इस स्मार्टफोन को बेचक होकर बाई कर सकते हो। मैक्सिमम मोबाइल फोन के ऊपर डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर हम पोको के नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो है पोको M2 Pro। दोस्तों पोको M2 Pro 14,000 की कीमत में लॉन्च किया गया था, लेकिन डिस्काउंट वगैरह में ये स्मार्टफोन आपको 12,000 की कीमत में देखने को मिल जाते हैं।
विदाउट डिस्काउंट ये स्मार्टफोन आपको 13,000 में मिलते हैं, बट मैक्सिमम मोबाइल फोन के ऊपर डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं। 12,000 की कीमत में आपको 48 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरे का सेटअप, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, वाइड एंगल सेंसर, डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों इस स्मार्टफोन को भी मैंने पर्सनली यूज किया है। जब मैंने इस स्मार्टफोन को यूज किया था तो नो डाउट मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली थी। कैमरे के डिपार्टमेंट में ये स्मार्टफोन काफी अच्छे से वर्क करता है, काफी अच्छी पिक्चर कैप्चर करता है, चाहे वो इंडोर की हो या आउटडोर की हो। लो लाइट में भी स्मार्टफोन काफी अच्छी पिक्चर कैप्चर कर लेता है। और वीडियोग्राफी की बात करें तो वीडियो में भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, स्टेबलाइजेशन भी आपको देखने को मिल जाती है। बट मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आपको बिल्कुल भयानक वाली स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी, बट प्राइस के हिसाब से ये स्मार्टफोन काफी अच्छी क्वालिटी आपको दे देता है। 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलती है, सेंटर पंच होल कटआउट दिया गया है, स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिलता है। अगर आप गेम खेलना पसंद करते हो तो पोको M2 प्रो से आप अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी ले सकते हो। 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाते हैं। तो नो डाउट ये स्मार्टफोन 12,000 की कीमत में एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, चाहे वो कैमरे के नजरिए से हो या परफॉर्मेंस के नजरिए से हो। बैटरी और डिस्प्ले में भी ये स्मार्टफोन, यानी कि मैं आपको बोलूंगा कि ये स्मार्टफोन एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, सभी चीजों में ये स्मार्टफोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों अगर आपको एक रियलमी का स्मार्टफोन बाई करना है, इनके कैमरे स्मार्टफोन बाई करना है, बजट है 10,000 से 12,000, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग रियलमी नार्जो 20 की तरफ जा सकते हो। हालांकि कुछ दिनों बाद आपको रियलमी नार्जो 30 भी देखने को मिलने वाला है, बट अभी मोबाइल फोन के प्राइस नहीं पता कि प्राइस कितने रहने वाले है, बट अभी के टाइम में रियलमी नार्जो 20 बेस्ट है। यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल की ट्रिपल कैमरे का सेटअप और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो आती है एचडी प्लस के रेजोल्यूशन के साथ, हीलियो G85 का प्रोसेसर, बेस वेरिएंट में 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलते हैं। डिस्काउंट वगैरह में स्मार्टफोन आपको 9,500 में मिलेगा, विदाउट डिस्काउंट ये स्मार्टफोन आपको 10,500 की कीमत में मिल जाता है। और 6000 mAh की काफी मैसिव बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी दी गई है। फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको रियर साइड पर मिलेगा, एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट, रियलमी UI दी गई है। तो देखा जाए तो अभी के टाइम में अगर आपका बजट है 10,000 रुपए, तो मेरे हिसाब से जो रियलमी नार्जो 20 है बेस्ट कैमरे स्मार्टफोन है, बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है अराउंड 10K में। तो एक बार आप रियलमी नार्जो 20 को भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मेरे नजरिए से ये स्मार्टफोन भी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। हालांकि दोस्तों इसी प्राइस में आपको मोटरोला के स्मार्टफोन भी मिलते हैं, जहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल तक के कैमरे का सेटअप दिया गया है। बट गाइज अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो चाहे वहाँ पर 64 मेगापिक्सल के कैमरे का सेटअप क्यों ना दिया गया हो, बट मुझे मोटरोला के कैमरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जितने भी मैंने स्मार्टफोन बताए, ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से, मैंने सभी स्मार्टफोन को पर्सनली यूज किया है, तो अल्टीमेट कैमरा परफॉर्मेंस ये आपको दे देते हैं। तो एक बार इस स्मार्टफोन को चेकआउट जरूर कीजिएगा, काफी अच्छी परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।